तीन भाई थे हम। बड़ा भाई तो पेड़ में रुक गया। मैं और मेरा छोटा भाई दुनिया फतेह करना चाहते थे। हमने मिलकर स्वास्तिक स्टील शुरू किया, मगर कुछ साल बाद उसकी नीयत खराब हो गई। बार बार धोखा खाने के बाद मुझे उसे स्वास्तिक से निकालना पड़ा। इसी बदनामी की वजह से उसने अपने परिवार को लेकर देश छोड़ दिया। कुछ साल बाद खबर मिली कि उसने अपने आप को आग लगाकर खुद अपनी जान ले ली। जब बलबीर ने स्वास्तिक संभाला तो आया था उसका बेटा मदद मांगने। यानी अब्रार हक का बाप मदद के लिए नहीं बाबूजी, स्वास्तिक में अपना हिस्सा मांगने आया था जिस पर उसका कोई हक नहीं। अगर भाई होने के नाते मदद मांगता तो शायद मैं मना नहीं करता। अब्रार के बाप ने अपना मजहब बदल कर 3-4 शादियां की, कई बच्चे हैं उसके अलग अलग बीवियों से। अब्रार उसका बड़ा बेटा है, तेरा भाई है। कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता है, क्या किसका मजहब है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दादाजी। ये कहानी आपको मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था बेटे कि ये रंजिश उस बच्चे के दिल में इतना गहरा नासूर वो बन जाएगा। बच्चा अब्रार हक इस परिवार को हमको खत्म करना चाहता है, ये बात जानते हैं आप? तू उसे मारेगा, उसके भाई उसके बच्चे तेरे पीछे आएंगे। ये महाभारत कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ये तेरे भाई है वो भी तेरा भाई है, माफ कर दे उसे। बाबूजी ये माफी बांटने का वक्त नहीं है। लेसन बेटा, जब तू वापस आया तो एक फोर्स एक क्लैरिटी के साथ तूने सब कुछ संभाला। ये अलग बात है मुझे ना तब तेरे तरीके पसंद थे ना आज पसंद है। तो ये भी ठीक हुआ है बेटा, ये काम करने के लिए लोग हैं। माफ कर दे बेटा। सजा मैं देता हूं दादाजी, माफी आप दे देना।